और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मथुरा समेत देश के तमाम हिस्सों में कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने भी जन्माष्टमी की बधाई दी है, देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन्माष्टमी की बधाई दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जन्माष्टमी की बधाई दी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जन्माष्टमी की बधाई दी है। ये तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जन्माष्टमी की धूम आज पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और इस पर तमाम प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जेपी नड्डा, सभी जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। मथुरा समेत पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं देशवासियों को दी है और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे साल श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं और अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, भक्तों में खासा उत्साह है, श्री कृष्ण मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पूरे देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रही है, साथ ही साथ आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, आज की अगर हम बात करें, कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पिछले कल भी हमने देखा था देश भर में अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना की बात करें या फिर चंडीगढ़ या दिल्ली की, हर जगह जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के सेक्टर 36 इस्कॉन टेंपल में है। सबसे पहले मैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखा देती हूँ, कितने तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। करीब करीब 30,000 श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं आज के दिन यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। और सारी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, पीछे तक अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं, दर्शन करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, जन्म उत्सव है आज उनका। और यहाँ पर देखिए मथुरा जैसी भीड़ आपको नजर आ रही होगी और यहाँ पर जो लोग भी अपने बच्चों को लेकर आए हैं, पोशाक यहाँ पर श्री कृष्ण की पहनाई है बच्चों को, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राधा रानी और श्री कृष्णा बनाकर यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं। श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे, पूरा अपने श्री कृष्ण की तरह सजाया है इन्हें, किस तरीके से जन्म उत्सव मना रहे हैं श्री कृष्ण जी। यहीं पे आए हैं और इसको पूरा तैयार करके लाए, कृष्ण जी बना के लाए, नंद गोपाल छोटे से, और इसी में आस्था है हमारी, इसी तरह हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और अपना काम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, यहाँ की खास बात ये भी है, क्योंकि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता सार में जो ज्ञान दिया था, उसकी जानकारी भी यहाँ पर
लोगों को पहुंचाई जा रही है। गीता सार में कौन कौन से ऐसे ज्ञान थे जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए थे, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस्कॉन टेम्पल जो कि सेक्टर 36 में है, उसके प्रेसिडेंट इस वक्त मेरे साथ हैं। किस तरीके से आप जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा संयोग बना है कि दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इस्कॉन टेम्पल में आज मनाई जा रही है, किस तरीके से मनाई जा रही है, और गीता सार भी यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं गीता सार का। हरे कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी उत्सव हम इस्कॉन चंडीगढ़ में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जैसे ही बताया कि कुछ लोग कि दोनों दिन जन्माष्टमी की तिथि है, कल भी थी और आज भी थी। कुछ भक्त लोग श्रद्धालु कल मनाए और कुछ आज मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी का उत्सव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे भारतवासियों के लिए, और हम यहाँ पे चंडीगढ़ और इस्कॉन में और पूरा इस्कॉन पूरा वर्ल्ड वाइड हर जगह में इस जन्माष्टमी उत्सव को मना रहे हैं। खास करके चंडीगढ़ में जो व्यवस्था है जन्माष्टमी का, आज श्री राधा माधव जी का भव्य दर्शन है, उनका नया पोशाक, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को भी नया पोशाक दिया गया, लड्डू गोपाल जी के झूला में बैठे हुए हैं, और सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था किया गया है कि लोग भक्त लोग जो श्रद्धालु आएंगे अच्छे से दर्शन कर सके, उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है ताकि कोई भगदड़ ना मचे, बड़े आसानी से सुचारू रूप से सब लोग जाके भगवान के दर्शन कर सके और दर्शन करके भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर सके, उसके लिए व्यवस्था है, सबको जरूर प्रसाद प्राप्त होगा। और ख़ास करके इवनिंग संध्या के समय पे विशेष कार्यक्रम है, शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बाहर इस तरह बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है ग्राउंड में, और वहाँ पे संध्या 7 बजे से पहले भगवान की आरती होगी और उसके बाद भगवान का अभिषेक होगा, और जो हमारी पहला अभिषेक है हमारी जो मुख्य अतिथि हैं चंडीगढ़ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी, वो आएंगे भगवान के अभिषेक करेंगे, फिर बाद में बाकी अन्य लोगों ने वो भी मान्यगण्य लोगों वो भी भगवान के अभिषेक करेंगे। इसी तरह से रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा, और साथ साथ लोगों को ज्ञान देने के लिए यहाँ पे अलग अलग आप देखेंगे कोर्सेस भगवद्गीता भगवद्गीता के सार के ऊपर हमें अलग अलग कोर्सेस भी हैं, जो भक्त लोग श्रद्धालु हैं अनेक कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आगे इसी तरह से अपना आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था है। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, क्योंकि कहते हैं श्री कृष्णा जी को बहुत जो प्रिय है एक बांसुरी है और मोर का पंख भी, लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा से पहुँच रहे हैं। आप नन्ही सी बच्ची को देख सकते हैं जो मोर पंख लिए यहाँ पर खड़ी है, और इसके अलावा दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं श्रद्धालु हैं अपनी आस्था से मंदिर में पहुँच रहे हैं नतमस्तक होने के लिए। अगर भीतर की हम तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं। राधा रानी की मूर्ति अंदर विराजमान है गर्भगृह में, और उन्हें इस तरीके से आज के दिन सजाया गया है कि आप देखिए किस तरीके। अगर आप मथुरा या वृंदावन की बात करें, बांके बिहारी की बात करें, उसी तरीके की यहां पर आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, भव्य तरीके से तस्वीर को सजाया गया है, और यहां पर जो श्रद्धालु हैं अपनी आस्था से लग जी देश भर में ये जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है चंडीगढ़ से। ये लाइव तस्वीरें आपके टेबल स्क्रीन पर है जहां पर चंडीगढ़ में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आप सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, हर जगह पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, और इसी पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आते हुए लखनऊ में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज पूरे देश भर में, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, लखनऊ में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है?
हाँ देखिए दिव्या, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ के तमाम मंदिरों में कहीं ना कहीं जो साज सजावट है वो देखने को मिली। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मंदिर है यहाँ पर साज सज्जा की गई। हालांकि अगर बात की जाए जो विशेष महत्व है वो लखनऊ में इस्कॉन टेम्पल पर जो भव्य तैयारी है श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने को लेकर वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो पुलिस लाइन है लखनऊ में, वहाँ पुलिस लाइन में हर साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो शाम को 7 बजे पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे। बता दें दिव्या, हर साल पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व पर जो आयोजन है वो किया जाता है। हालांकि तमाम न केवल पुलिस लाइन इस्कॉन मंदिर बल्कि लखनऊ के जितने भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में जो तैयारी है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रभु कृष्ण के। और बात की जाए अगर लखनऊ की, तो हर जगहों पर कहीं ना कहीं जो उत्साह जो उल्लास है वो भक्तों में देखने को मिल रहा। हालांकि अभी की अगर वर्तमान के समय की अगर बात करें दिव्या, तो फिलहाल दोपहर के लगभग 12 बजने हो चले हैं और ऐसे में बताया जाता है कि सनातन धर्म के अनुसार 12 बजे मंदिरों के जो पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि तैयारी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों से सजाया गया है मंदिर को और ऐसे तमाम लखनऊ में जो अलग अलग मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में इसी तरह से जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। और शाम को 7 बजे के बाद सभी मंदिरों में जो आयोजन है वो देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 7 बजे पहुंचेंगे। जैसा कि बताया दिव्या कि हर साल पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 7 बजे वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अनिकेत लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, आपके पास आते हुए सबसे पहले लखीमपुर खीरी के बारे में बताइए कि वहां पर मंदिरों में किस तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां पर मंदिरों को किस तरीके से सजाया गया है, कार्यक्रम का किस तरीके से आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ लखीमपुर खीरी में श्री कृष्ण ऐसा नाम है जो कि जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रेम का नाम लिया जाता है, जिसमें अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर मंदिरों को इतने भव्य तरीके से सजाया गया है, इतनी खूबसूरती से सजाया गया कि क्योंकि अगर यहाँ पर रात का समय में इनका जन्म होता है, रात में 12 बजे इनका जन्म किया जाता है, तो इसीलिए जो है जन्म हुआ था, इसीलिए जो है ना यहाँ पर लाइटिंग की सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। हर मंदिर पर भव्य तरीके से लाइट लगी हुई है, वहीं पर फूलों का जो है फूलों की मालाओं और फूलों से जो है काफ़ी सजाया गया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है मंदिरों को लोगों को आकर्षित करने के लिए जो है झांकी का भी इस्तेमाल इंतजाम किया गया है। लोग जो है यहाँ पे आएंगे और मंदिर में आके जो है कृष्ण जन्म के बाद जो है यहाँ झांकियों झांकी को देख के उत्साहित होंगे। जी लखीमपुर के लिए। जी ठीक है, आलोक आपके पास लौटेंगे। ईशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, आपके पास आते हुए, श्री कृष्ण को दही और मक्खन बहुत ज्यादा पसंद था और यही वजह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही हांडी कार्यक्रम का भी बहुत सारी जगहों पर आयोजन किया जाता है। क्या चंडीगढ़ में भी दही हांडी कार्यक्रम का किसी तरह का कोई आयोजन किया गया है? अभी फिलहाल देखिए, जिस जहाँ पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर दही हांडी का उस तरीके का कार्यक्रम तो आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए श्री कृष्ण जी के जो पोशाक हैं उन्हें किस तरीके से एग्जीबिशन के जरिए यहाँ पर सजाया गया है। और दूसरी तरफ की भी मैं आपको तस्वीर साझा करना चाहूँगी दिव्या, कि किस तरीके से जो इस्कॉन टेम्पल हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखिए एग्जीबिशन एक तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। श्री कृष्णा जी का आज जन्म उत्सव है, पालकी में यहाँ पर झूला आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से श्री कृष्ण जी की तरफ से जो भी ध्यान दिए गए थे, या जिस तरीके से अगर हम बात करें वृंदावन। ईशा, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और लगातार श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ईशा का रुख करेंगे। ईशा, आप वहां पे जो स्टॉल पे मौजूद हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि इस्कॉन टेम्पल में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको तस्वीर भी साझा कर रही थी दिव्या, एक बार पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और साथ ही जिन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है उससे भी हम बातचीत करेंगे। आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप लड्डू गोपाल जी की पालकी भी यहाँ पर
जिस तरीके से आपने सजाई है, किस तरीके से आज आप मना रहे हैं? आज हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बहुत उत्साह है, सब लोगों में उत्साह है, कल भी थी आज भी है, हमारे इस कोण में आज है। हरे कृष्ण। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से, हालांकि इस बार दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है, आप इस्कॉन पहुँचे हैं, भारी तादाद में और भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना आज कर रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ टेम्पल में आए थे, पहले हमने अपने घर में पूजा करी, फिर टेम्पल में आए, लड्डू गोपाल जी को हमने झूला झूलाया, अब थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, और कुछ अपने जो घर में कृष्णा है उनको सजाने के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छे हैं इनके लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, उनकी मालाएं, बच्चों के जो राधे कृष्णा वाली कपड़े हैं वो भी हमने परचेज़ किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से श्रद्धालु भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्मोत्सव वो बना रहे हैं, यहाँ पर जो पोशाक है उसकी भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है, क्योंकि आज जन्मोत्सव जब 12 बजे का होगा तो भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा, लेकिन उससे पहले भी तादाद आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरें इस्कॉन टेम्पल की हैं, और ऐसी ही तस्वीरें आपको चंडीगढ़ में नज़र आएगी। और आप यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि श्री कृष्ण बन के यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं कि श्री कृष्णा जी जिन्हें बाल रूप में हमने ऐसे देखा था, उसी नज़ारे में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर चंडीगढ़ में श्री कृष्णा जी को कहते हैं कि बांसुरी बहुत पसंद थी और मोर पंख, वैसे ही पोशाक इन्होंने पहनी है। इनकी माताजी भी यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे को भी इन्होंने सजाया है श्री कृष्णा की तरह। मैम, दोनों ही बच्चों को आपने श्री कृष्ण बताया, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुझे कृष्ण, मैं कृष्ण जी की भगत हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण जी को की तरह सजाना बच्चों को, क्योंकि कहा जाता है कि बाल रूप जो श्री कृष्णा जी का था बड़ा ही नटखट था, उसके बारे में। बिल्कुल, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं, उनको भी बिल्कुल वही चीज़ करनी होती है जो छोटे बच्चे को, हम जितनी टेक केयर हम छोटे बच्चे की करते हैं उतनी ही टेक केयर इनकी होती है, तो इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को श्री कृष्णा जी के रूप में बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं तस्वीर साझा कर रही थी कि किस तरीके से बच्चों को। जी ईशा, अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे खास बात यह है कि आज के दिन जो भी माँ है या फिर जो भी घर में छोटे बच्चे होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को श्री कृष्ण की तरह सजाते हैं, और वही लड़कियां होती हैं उन्हें राधे की तरह सजाया जाता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, विनायक गुप्ता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। विनायक, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है? टेम्पल पर है जिसको भव्य तरीके से सजाया गया है, तस्वीरों में देख सकते हैं जो गेट है वो बिल्कुल भव्य तरीके से सजाया गया है, जो यहाँ पर फूल लाए गए हैं वो विदेशों से फूल मंगाए गए हैं, 250 से ज्यादा जो कलर के फूल हैं वो विदेशों से मंगाए गए हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो जो राधा और कृष्ण के वस्त्र हैं वो जो वृंदावन से मंगाए गए हैं, जो कि हर साल जो है वहीं से मंगवाए जाते हैं। हालांकि अगर बात करी जाए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, सुबह जो 4 बजे आरती की गई थी, आरती के बाद से ही जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु का आना जाना लगा हुआ है, और साथ ही साथ दर्शन करना है, उसके बाद में वो दूसरी गेट से एग्जिट होकर के निकलना। अगर बात करी जाए तो इस्कॉन टेम्पल के प्रबंधकों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रखी गई है, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जिस सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की, तो कम से कम 500 से ज्यादा जो है कैमरे लगाए गए हैं, और वहीं अगर पुलिस व्यवस्था की बात करी जाए तो कई सारे थानों के पुलिस के साथ साथ एजेंसियों को भी चिन्हित करके यहाँ पर तैनात किया गया, जिससे कि कोई बवाल न फैला जा सके। कई सारे रूटों को जो है डायवर्जन किया गया है, 1.5 किलोमीटर पहले से ही रूटों को जो है डायवर्जन किया गया है, पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया गया है, खाली पैदल लोग ही वहाँ से आ सकते हैं, अन्यथा जो वाहन वाले लोग हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग जगह करी जा रखी गई है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शाम को गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, साथ ही साथ जो विधायक है नोएडा के पंकज सिंह, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उनकी उपस्थिति में जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाएगा। विनायक, अगर देखा जाए तो इस बार 2 दिन का जन्माष्टमी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस्कॉन टेम्पल में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी भीड़ भी श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ईशा ठाकुर शुक्रिया आपका भी, विनायक शुक्रिया आपका भी, आलोक आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।